गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सुबह का वक्त है, लगभग 6:15 बज रहे हैं। आज मैं बिल्कुल सवेरे उठी थी, 5:30 के आसपास उठी थी। चारों तरफ शांति है, शांत है। आपने बालकनी में कूलर देखा है। अभी मैंने आज सोच लिया है, आज किसी भी कीमत पर इस कूलर को हटाऊंगी ताकि बालकनी साफ सुथरी रहे। और ये बैग है इनके ऑफिस का, जो ये रात में धोकर डाल दिए थे सूखने के लिए, और मैंने रात में इन सारी चीज़ों को धो दिया था, ड्रायर में था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये सारे चीज़ों को डाल दूँगी। जब तक सारे लोग उठे नहीं हैं तो मैं काफ़ी काम निपटा लेती हूँ। जिस दिन मैं लेट से उठती हूँ सोकर, उस दिन तो खैर कुछ भी नहीं हो पाता है। जल्दी जल्दी चाय पीजिए, खाना खाइए, खाना बनाइए, इसी में समय ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिस दिन थोड़ा मैं सवेरे उठ जाती हूँ, और मैं बिल्कुल प्रयासरत रहती हूँ सवेरे उठने का, 5:30 पूजा पाठ जिस दिन होता है उस दिन मैं 5:30 उठने का कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी 7:30 हो जाते हैं। आज मैं सवेरे उठी हूँ और पूरा सो कवर वगैरह डालकर मैं अंदर गई थी, तो देखा बेलपत्र फूल वाले बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे आए थे। अब मैं नीचे जा रही हूँ। ये लोग भी आज सवेरे ही जग गए हैं, नीचे वाले सारे लोग। अभी तो मुझे लगता है 6 बज रहे होंगे, लेकिन सारे लोग जग गए हैं। देखती हूँ मैं मंदिर जा पाती हूँ या नहीं, आगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आज सोचा है सब कुछ ग्रीन पहनने को, सावन के 2-3 दिन हो गए हैं। मैंने अभी चूड़ियाँ वगैरह भी चेंज नहीं की है, तो देखती हूँ इनके पास क्या क्या फूल है। वाइट फूल, शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ना चाहिए, लेकिन देखती हूँ बच्चों के पास क्या क्या है। बहुत सारे लोग बाहर निकल गए थे अपने अपने गेट से लेने के लिए। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप बिजली कड़कने की आवाज़ सुन रहे होंगे। बिल्कुल मूसलाधार बारिश हो रही है, और सामने से, बगल से, मतलब इस मोहल्ले में जितने भी लोग हैं सब बाहर आ गए, क्योंकि कई सारे बच्चे आए हैं इसको बेचने के लिए। कुछ मुझे दे रहे थे, कुछ सामने में दे रहे थे। तो ये 10 रुपये का इतना सा बिलपत्र, यानी बिलपत्र 11 था और फूल इन्होंने दिया। और अब मैं यहाँ सीधा प्रोसेस चाय में लग गई हूँ। आज ये भी खुद से सवेरे उठ गए थे, यानी 6:30 बजे ये भी उठ गए थे। तो जितना सवेरे उठते हैं उतना सवेरे चाय बन जाती है। इन्होंने बिस्किट खाया और मुझे भी खाने को इन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा मैं आज मुझे बस सिर्फ पूजा करने दीजिए, आज मैं बिस्किट वगैरह नहीं खाऊँगी। और इनको तो खाना पड़ेगा क्योंकि ये दवाई अभी खा रहे हैं। तो यहाँ पर चाय बन गया है, और ये कद्दू देख रहे हैं, जो आधा कद्दू मैंने रात में बनाया था। कल का अगर आपने देखा होगा ब्लॉग तो उसमें सब कुछ पता चल गया होगा। 2 दिन लगातार मेरी तबीयत किस तरह से ख़राब हुई, सब कुछ मैंने शेयर किया है। और यहाँ पर मैंने चाय को छाँक लिया है। और जब भी आप चाय छाँकिए तो आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिएगा, दूर से कप में चाय को डालिए। ये जो बुलबुले, बबल्स जिसको कहते हैं, चाय में जब आती है तो पीने में इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। ये आप लोग ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट कर बताइएगा। और यहाँ पर चाय वगैरह हो गया, ये जो छाछ बचा था मैंने फ्रिज में रखा था तो इस तरह से जम सा गया है। और ये यहाँ पर अनार छुड़ा रहे हैं, क्योंकि आज चूँकि ये भी सवेरे उठे थे तो अनार वगैरह कुछ नहीं छूटा था। यहाँ पर मैंने फूल बेलपत्र रखा है, और ये बोले थोड़ा सवेरे ही निकलूँगा तो मैंने चावल चढ़ा दिया, और इधर आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। चावल धो कर रख लिया है, और बना लूँगी मैं आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी, चावल दाल, और ये मेरा खाना रेडी हो गया है। और लगभग 8:30 बज रहे होंगे क्योंकि ये आज सवेरे ही जाते हैं। और यहाँ पर अब मैं इनके टिफ़िन को पैक कर दूँगी जब तक ये खाना खाएँगे। और बहुत आज मतलब ऐसा हो गया था
कि जब तक मैंने इनको रेडी करके भेजा तब तक बाबू का क्लास शुरू हो गया, यानी काफ़ी लेट मुझे हो गया था। और यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, लेकिन मैंने नाइटी पहनी है अभी, और यही साड़ी आज मैं पहनने वाली हूँ। सिल्क की ये साड़ियाँ हैं, काफ़ी कॉस्टली, और मेरी सासू माँ पहले सावन पर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। और इस साड़ी का ये ब्लाउज है, मैं देखती हूँ ये ब्लाउज मुझे आता है या नहीं आता है, अगर नहीं आएगा तो ये मैं पहन लूँगी। और ये हरी चूड़ियाँ जो मम्मी लाई थी, अभी मैंने खुद से नहीं ख़रीदा है, मैं जाऊँगी मार्केट तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, खरीदूँगी प्लेन चूड़ियाँ। और ये इस तरह से है ये चूड़ियाँ, जो काफ़ी अच्छी है। चलिए अब मैं रेडी हो जाती हूँ, और यहाँ पर देखेंगे मैं रेडी होने के पहले मैंने लहठी पहन लिया था, लेकिन नाइटी पर ही ये सारा चीज़ मैंने साफ़ किया, सारी तस्वीर, चुन्नी, फूल, माला, सब कुछ मैंने साफ़ किया सर्फ में नाइटी पहन कर ही, और शरबत पी लिया था एक दो गिलास। अभी मैं नाइटी ही पहनी हूँ, और आपको बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से कड़क रही है। और यहाँ पर मैं आरती के लिए जो थाल सजाऊँगी उसके लिए मैं आटा में यहाँ पर महावर को डाल दिया है। लाल बनाना चाहते हैं तो महावर डाल दीजिए, और पीला बनाना चाहती हैं तो हल्दी डाल दीजिए। तो हल्दी मेरा अमनिया नहीं था, यानी कि वो जो डेली यूज में है उसमें चला गया था हल्दी, और लास्ट भी हो गया है महीने का, तो अब मैं नया हल्दी लाऊंगी तब। तो ये बनाते बनाते मेरे बेटे को बॉर्न बिठा चाहिए था, वो गेम देख रहा है, क्लास उसका हो गया है। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और रेडी होकर के सारा चीज़ मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया। ये सब करने में काफ़ी समय लगा था, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पाई, अगर ये सब भी शेयर करती तो बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि लास्ट में आप लोगों से मुझे कुछ बात भी करनी है, इसीलिए मैंने इस सजावट वगैरह डेकोरेशन सबको नहीं दिखाया। और यहाँ एक एक चीज़ मैं रख रही हूँ, और पूजा भी मैंने बहुत काफ़ी लंबे समय तक किया था, भूख नहीं लगी थी, शरबत पी लिया था और चाय एक बार पी लिया था, और उसके बाद सारा चीज़ डेकोरेट करने के बाद मैं भी रेडी हो गई। और यहाँ अब मैं आराम से पूजा करूँगी, अगरबत्ती जला लूँगी, अगरबत्ती और धूप जला लूँगी, तो मैं पंखा ऑफ करने गई हूँ, अब मैं यहाँ पर अगरबत्ती जला लूँगी। तुलसी भगवान बालकनी में हैं, और आप लोग सच सच बताइएगा, बचपन में आप लोगों में से कौन कौन बिलपत्र पर लिखते थे राम राम, जब हम लोग बच्चे थे, मैं जब बच्ची थी और मेरे साथ वहाँ पर जब कई लोग थे, तो आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसा किया होगा। मंदिर जाती थी, मंदिर में एक कोना पकड़ लेती थी, कोने में बैठ गई हूँ, चंदन चनौटे से घिस रही हूँ, और बिलपत्र की डंटी से या फिर अगरबत्ती की डंटी से बिलपत्र में राम राम लिख रही हूँ। अब जिसने जितनी श्रद्धा से लिखा है भाई, अपने जीवन साथी को देख लीजिए उस रूप में, जितना श्रद्धा आपने उस समय लिखने में दिखाया होगा, आपके जीवन साथी उस रूप में आपको मिल गए हैं। ऐसे ही लोग पहले कहते थे, सच भी लगता है, सच भी है, पार्वती जी ने भी शिव जी की पूजा करके उनको ही वरण किया था। तो इस तरह से मैंने ये बनाया थाल में, जो ये दिए का बनाया, अब इसमें मुझे 8 दीपक चाहिए, तो दीपक भी बिल्कुल आसानी से बन जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि आटा ज़्यादा सॉफ्ट आपको नहीं मिलाना है, और यहाँ पर मैं 8 दीपक बना लूँगी, और बीच में चौमुखी दिया बनाऊँगी आटे का ही, जिसमें कि मैं बत्ती रखूँगी, और सारे दिए में मैं बत्ती नहीं रखूँगी। इससे क्या होता है कि आप ढंग से आरती भी नहीं कर पाएंगे, पूरा एक बार जलने लगता है, इसीलिए मैं सिर्फ बीच में रख के ही आरती करूँगी, तब मैं पूजा कर लेती हूँ। और सारे लोग, जितनी भी लड़कियां सोमवारी का व्रत करती थी, यही सोच के भाई अच्छे पति मिले, तो भाई हम लोगों का वो समय तो चला गया है। अब नई बच्चियों को देखती हूँ तो लगता है अच्छा, ये लोग भी अपने प्रयास में लगी हुई है भाई, तो देखिए अपने अपने कर्म का भाई जीवन साथी मिला है। आजकल जो भी जीवन साथी होते हैं, ये बात तो है, पहले की अपेक्षा लड़ाई झगड़ा होता है आपस में ज़्यादा, छोटे छोटे बात पर, लेकिन प्यार भी बहुत होता है भाई। पति हेल्प तक करने के लिए तैयार होते हैं, बेडरूम से लेके किचन तक, मार्केट से लेके घर तक, ये सब तो है भाई। इतना तो भोलेनाथ ने हम लोगों पे दया किया है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर राम राम बिलपत्र पे लिखना शुरू किया है। रूढ़ी में चंदन तो यहाँ घिसने वाला कुछ था नहीं, भजन भी गा रही थी, काफ़ी मन लग रहा था पूजा करने में, मैंने बहुत आराम से बहुत देर तक पूजा किया है। और अब मैं सोची हूँ अलग अलग सोमवार को अलग अलग तरह का साड़ी पहनूंगी, देखती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग बने रहिए तो ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे साथ क्या दिक्कत होता है कि लगातार पूजा नहीं होता है, कोई ना कोई एक्सपायर कर जाते हैं, इतने बड़े हम लोगों के फैमिली हैं। और ये देखिए इतना अच्छा दीपक दिख रहा है, यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ, तो हमारा गुतिया इतना बड़ा होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ किसी को हो ही जाता है, तो इसीलिए भगवान से प्रार्थना है, भगवान सावन भादव आसिन कार्तिक, ये सब जो महीना होता है, ये सब पूजा पाठ करने का ज़्यादा होता है। और इस तरह से मेरा पूजा कंप्लीट हो गया, जो आप देख रहे हैं।
तो इस तरह से मैंने आज सावन की पहली सोमवारी का पूजा किया, और आप लोगों को भी सावन की पहली सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों में से किन किन लोगों ने व्रत किया है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ अभी मैं आपको बता दूँगी, आपको पता चल जाएगा। तो ये इस साड़ी का जो है ये वाला ब्लाउज था जिस तरह कि आप देख रहे हैं, और ये ब्लाउज भी मैंने खुद बनाया है। जब शादी मेरी हुई थी उसके 6 महीने बाद ही मैंने बनाया था। तो ये इस साड़ी का ब्लाउज है, और ये ब्लाउज मुझे नहीं आया। तो अब इसका कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्लाउज को लूज करूँगी। अब मैंने सोच लिया है मैं किसी भी ब्लाउज को लूज नहीं करूँगी, अपने शरीर को कम करूँगी। तो ये नहीं आया, तो ऑप्शन मैं बहुत रखती हूँ, ऑप्शनल में मैं बहुत कुछ रखती हूँ। तो मेरे पास लगभग सभी कलर के आपको प्लेन ब्लाउज मिल जाएंगे। तो जो प्लेन था वो मुझे आ गया, इसको पहन के मैंने पूजा किया। अब आते हैं व्रत करना है कि नहीं करना है। अभी 1 बज रहे हैं और मैंने सुबह से शरबत पी लिया है, लेकिन लगता है कि व्रत कर लें, लेकिन वो कह के गए हैं ऑफिस, समझा के गए हैं कि अगर व्रत करेगी तो फिर देखना, और कसम वगैरह दे कर गए हैं। और आजकल का क्या है, मैं जो भी दिखाती हूँ इस पर नेचुरल और सच, छोटे छोटे बात पर कपल में लड़ाई हो जाती है, तो मैं बहुत बच के रहती हूँ शुरू से, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो वो मुझे समझा कर अच्छे तरीके से गए हैं। फ्राइडे का तुम व्रत करती हो इसीलिए तुम नहीं करना, और सैटरडे को मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन हो गई थी, सैटरडे को हुआ था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अभी रिकवर हो ही रहा है, लेकिन इतना समय तो हो गया। सुबह से मैंने चाय पी है और ये शरबत पी है और अनार खाया है। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँ कि कई लोग कहते हैं मैम आप पूजा करने के पहले कैसे कुछ पी लेते हैं, मैं आपको बता दूँ मैं बिना नहाए कुछ भी नहीं खाती हूँ, और अगर कोई व्रत भी रहता है तो मैं पानी पी लेती हूँ। संतोषी माता का व्रत करती हूँ, सिर्फ पानी और चाय पीती हूँ, और अगर अधिक लेट हो जाए तो फिर मैं बिना नींबू का तो शरबत नहीं पी सकती हूँ, अगर ऐसा कुछ लिक्विड हो तो मैं पी लेती हूँ। और अगर क्योंकि मैं सवेरे ही कर लेती हूँ, तो ज़्यादातर संतोषी माता के व्रत में आज तक तो मैंने बस पानी और चाय ही पी है, अभी तक इसके अलावा कुछ भी नहीं पिया है। लेकिन और भी अगर कोई व्रत मैं करती हूँ तो मैं बस दिल से ईश्वर को याद करती हूँ, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता होगा कि आप ये आपके शरीर में जो भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जो भी CVC के अंतर्गत आपका आयरन आता है, कैल्शियम आता है, विटामिन D, C जो भी आता है, वो बिल्कुल पके आम की तरह आपके शरीर में सेट है। यानी कि एक हल्की सी हवा चली और वो सारे डाउन हो जाते हैं, सब गिर जाते हैं। अब तो ये पके आम का भी उदाहरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आजकल तो पेड़ में आम पकते ही नहीं हैं, उसे भी कच्चा तोड़ लिया जाता है और उसको पका दिया जाता है, मतलब जिसको आप कहते हैं नेचुरल तरीके से आम भी नहीं पकता है। तो शरीर में हर चीज़ मतलब ऐसे हो गए हैं आजकल कि जरा सा आप फास्टिंग करिएगा, जरा सा खाने में ऊंच नीच होगी तो आपका कभी BP लो हो जाएगा, चीनी शुगर लो हो जाएगा, आप कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो जाएगी। तो बेहतर है पहले आप अपने आप को देखें, ये मेरी धारणा है। और अगर मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, और इसमें मैं बिल्कुल सत्य दिखाती हूँ। कई लोग, मैंने संतोषी माता के व्रत का एक वीडियो बनाया था, करते हुए मैंने पूजा दिखाया था मॉर्निंग से रूटीन, मैं प्रयास करूँगी वीडियो के एंड में देने का, आप लोग देखिएगा। उसमें मैंने पानी पिया है और कई बार पिया है, तो कई तरह के कुछ ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपने क्यों नहीं पिया जाता है, कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे क्या मैम पी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लेट होता है तो अजीब सा मन लगने लगता है पानी पीने का, और कुछ कुछ ऐसा कमेंट था तुमने पानी कैसे पी लिया, संतोषी माता तेरे ऊपर प्रकोप करेगी। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी देवी देवता ये नहीं कहते हैं तुम अपने जान को अपने प्राण को दांव पर लगाकर मेरी आराधना करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बतानी चाहूँगी आपको, ये सितंबर में एग्ज़ाम था तो आए थे मेरे भाई, मेरा भाई आया था, उसके साथ उसका फ्रेंड आया था, तो उस समय के आसपास तीज था, तो वो बता रहे थे, धीरज उनका नाम था, वो बता रहे थे क्या कि मेरी बहन इसी तरह जिद कर ली, पहले से ही कमज़ोर थी, नहीं मैं तीज बिना पानी का करूँगी, एक भी बूंद अंदर पानी नहीं दूंगी, और ऐसी स्थिति हो गई कि वोमिट हो गया, स्लाइन भी चढ़ा, तो कहाँ उसके व्रत की मान्यता रही। तो ऐसा कुछ भी मत करिए कि आप भी परेशानी में पड़ जाएंगे और आपके परिवार भी परेशानी में पड़ जाएंगे। मैं ऐसा कोई भी, मैं इसको पाखंड तो नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अपने अपने श्रद्धा की बात है, जिनके अंदर जितनी श्रद्धा है वो उतना करे। अगर आप सवेरे कोई भी व्रत कोई भी पूजा कर लेते हैं तो आप बिना पानी तो खैर शरीर में आपको 3 से 4 किलो रोज ही पीना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बिल्कुल मैं नहीं करती हूँ, मैं पानी चाय तो पीती हूँ, पानी अभी तक मैं 1 बज गया है, मैंने कुछ खाया नहीं, लेकिन 10 ग्लास कम से कम मैं पानी पी चुकी हूँ।
पानी भी, क्योंकि 70% पानी की आवश्यकता होती है। पानी तो हमारे शरीर में कम से कम प्रॉपर मात्रा में रहेगी, नहीं तो नाना प्रकार का आपको परेशानी होगा। ये बिल्कुल नहीं है भूखे रहिए, भगवान को 108 बेलपत्र चढ़ा के फिर पानी घूटिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शुरू में जैसे शादी का 7-8 साल, शादी के 6-7 साल हो गए हैं, तो शुरू में 1-2 तीज मैंने इसी तरह बिना पानी का किया। फिर बाबू हुआ तो स्थिति बहुत भयावह होने लगी। फिर मैंने नियम लगाया 12 बजे रात के बाद पीऊँगी, लेकिन अब 2 बार से ऐसा होता है कि चौथ की तिथि आ जाती है तो मेरे हस्बैंड 4 बजे के बाद ही बोलने लगते हैं पी लो। तो पहले जान अपने बचाइए। आजकल किसी के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं है वो इस तरह से रह पाए, और जिनकी अंदर है तो है, लेकिन कोई भी देवता ऐसा नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल भूखे प्यासे रहकर मेरी आराधना करिए। अगर भूखे रहने से ईश्वर मिल जाए तब तो कितने लोग कोरोना में भूखे ही मर गए। इसीलिए मेरी इस बात को बिल्कुल अदर में मत लीजिएगा, बिल्कुल गंभीरता से लीजिएगा, जितना सक्षम हो उतना ही कीजिए। और चूँकि वो समझा के गए हैं तो 2 पक होता है, अंधरिया और इंजोरिया, मैं प्रयास करूँगी उनको मनाने का, भगवान से मनाने के पहले उनको मनाने का प्रयास करूँगी कि मुझे इंजोरिया वाला भी कम से कम 2 सोमवारी का व्रत करने दीजिए। तो देखती हूँ वो क्या कहते हैं, अभी तो चूँकि 1.5 बज गया है, और मेरे पिताजी भी शायद आने वाले हैं। वो मेरा भाई रहता है स्टेशन के पास, कॉमर्स कॉलेज में वो पढ़ रहा है, तो वहीं पर वो स्टे किए हैं, उनको IGMS में दिखाना था, हो सकता है वहाँ से वो यहाँ आएंगे। तो अभी मैं लगती हूँ दूसरे काम में, अगर ये वीडियो कंटिन्यू रहा तो आगे मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ मैंने सोचा था मंदिर जाने को, लेकिन मूसलाधार बारिश इतनी तेज़ होने लगी कि सारा प्रोग्राम चेंज हो गया। साड़ी भी मैंने चेंज कर लिया था और इस तरह से मैंने खाना खा लिया था, व्रत नहीं रखा था। तो उम्मीद करती हूँ आपने इन्जॉय किया होगा मेरे इस ब्लॉग को भी। मिलती हूँ मैं आपसे आगे, बने रहिए इस चैनल के साथ। चैनल पर जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और देखती हूँ कब तक बारिश होती है। तो चलिए डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।